आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है प्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में। अब जैसे ही ये वर्ड हमारे माइंड में आता है तो कुछ एक पिक्चर बनने लगती है। प्रोडक्शन सुनते ही एक पिक्चर बनने लगती है माइंड में, और वो क्या बनती है कि एक बड़ी सी प्लेस है या कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स लगी है और हमने कुछ उसमें इनपुट डाला है, रॉ मटेरियल डाला है, बहुत सारे लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं और उस इनपुट को, रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस कर रहे हैं और जिससे क्या बन के आ रहा है, फिनिश्ड गुड्स बन के आ रहा है। तो यही एक जनरल मीनिंग होता है प्रोडक्शन का जो हमारे माइंड में आता है। क्या इकोनॉमिक्स में भी इसका सेम मीनिंग है, ये हमें देखना है आज इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एक लेमैन की बात करें। लेमैन मींस ऐसा पर्सन जिसको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो एक लेमैन क्या सोचता है, वो ये सोचता है हमने फर्नीचर मैन्युफैक्चर किया है, फर्नीचर बनाया है, वो क्या है, प्रोडक्शन है। टी हमने प्रोड्यूस की है, ग्रो की है, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन। फिर हमने शर्ट मैन्युफैक्चर किया है, ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर किए हैं, पेंस मैन्युफैक्चर किए हैं, ये सब क्या है, प्रोडक्शन है, और हम जनरली इसका यही मीनिंग लेते हैं। बट इकोनॉमिक्स में ये मीनिंग थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। इन सबको तो हम प्रोडक्शन कहते ही हैं, इनके अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें होती है जिन्हें प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें हम प्रोडक्शन को इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। क्या डेफिनेशन है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन है, ये इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रोडक्शन से क्या पता लगता है। तो सबसे पहले कौन सी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही है, कौन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, ये हमें पता लगता है उसके प्रोडक्शन से। जो कंट्री जितना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करती है, जितनी ज्यादा सर्विसेज देती है, तो वो उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड हो जाती है। जैसे अमेरिका की हम बात करें, यूएसए की, तो यूएसए में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। वहां पे बहुत तरह के गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। तो किसी भी कंट्री को हमको जज करना है तो फिर वो हम कैसे जज करते हैं, प्रोडक्शन वाइज जज करते हैं, ठीक है। सो, अब बात आती है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। प्रोडक्शन मींस क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी या तो डाल देना, या यूटिलिटी थोड़ी बहुत है तो उसे इंक्रीज कर देना। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। जैसे हमारे पास ट्री है, ट्री को हमने कट किया तो क्या आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ वुड, वो लकड़ी आ गई हमारे पास। अब अगर हम क्लासरूम में, मान लीजिए इस फर्नीचर की जगह, टेबल चेयर्स की जगह वो लकड़ी रख दें और आपको उसी के ऊपर बैठ के अपना काम करना है, अपनी स्टडीज करनी है, तो आपको कैसा लगेगा। तो उस केस में अगर हम उसके ऊपर बैठ के हमारे काम करेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी जरूर आने वाली है, हमको इतना कंफर्ट महसूस नहीं होगा जितना कंफर्टेबल हम अभी फील कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, उस वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। फर्नीचर में कन्वर्ट करते ही वो हमारे लिए क्या हो गया, कंफर्टेबल हो गया, उससे हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। सो दिस क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। सबसे पहले ये लाइन हम लिख लेते हैं, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज प्रोडक्शन, इसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटी सी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन जो हमें याद रखनी है।
यूटिलिटी को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना या किसी चीज में यूटिलिटी को डाल देना, दैट इज प्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं उत्पादन, राइट। अब हम आते हैं हमारे मीनिंग पे कि मीनिंग क्या गिवन है और उसके बाद बात करेंगे हमारे डेफिनेशन की। अ लेमैन थिंक्स दैट प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ फर्नीचर, की फर्नीचर बनाना, मशीनरी बनाना, फूड ग्रेन्स को ग्रो करना है, फ्रूट्स, टी, क्लोथ एक्सेट्रा फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इन द मार्केट। ये सारी चीजें हम बनाते हैं, ग्रो करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम उसे मार्केट में सेल कर सके, बेच सके। बट इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी किस में? इन गुड्स और सर्विसेज, गुड्स में भी एंड सर्विसेज में भी, सो दैट ह्यूमन वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यूटिलिटी क्यों ऐड करें उसमें? क्योंकि उसे हमारी वॉन्ट्स सेटिस्फाई होगी, हमें कंफर्ट महसूस होगा, हमें उसे काम में लेके अच्छा लगेगा, या वो हमारे काम की वस्तु है, काम का प्रोडक्ट है, तो हम इसलिए उस गुड्स में क्या करते हैं? यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं। फाइन। सो प्रोडक्शन का मीनिंग सिर्फ क्या गुड्स से है? नो, सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज को भी प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता है। नॉट ओनली गुड्स, सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। फाइन, ये हुई हमारी एक जनरल डेफिनेशन, ये कहते जनरल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पे कुछ इकोनॉमिस्ट ने प्रोडक्शन को डिफाइन किया है, किस तरह से किया है वो देखें। अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन, इन दोनों ने कैसे डिफाइन किया, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक वेल मैनेज्ड तरीके से हमने क्या किया, इनपुट्स को, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया, रॉ मटेरियल को या कह दें इनपुट्स को प्रोसेस किया और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों फॉर्म में हो सकता है, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसका, टू सेटिस्फाई द डिमांड, डिमांड को पूरा करना। हमारी डिमांड है कि हमें फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर को बना देना, फर्नीचर किससे बनाएंगे, फ्रॉम द लॉग ऑफ वुड। हमारी डिमांड है हमको शर्ट चाहिए, तो शर्ट किससे बनेगा, थ्रेड से बनेगा, धागे से बनेगा, थ्रेड किससे बनेगा, कॉटन से बनेगा, कॉटन कहां से आएगा, हम उसे ग्रो करेंगे। सो ये पूरी एक चेन चलती रहती है, तो हमने कॉटन को ग्रो किया, उससे हमने थ्रेड बनाया, थ्रेड से क्लोथ बना और क्लोथ से शर्ट बन गया, ठीक है। सो द मेन ऑब्जेक्ट इज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज। ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज का मतलब फिनिश्ड गुड्स, तो फिनिश गुड्स की डिमांड है मार्केट में, लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है, लोग चाहते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए, तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, उन्हें क्रिएट करेंगे। और क्रिएशन कैसे होता है, बाय एडिंग सम यूटिलिटी, यूटिलिटी को ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, कि जो हमारे इनपुट्स है उसमें ऐड करना है, ठीक है। सो दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन, फाइन। तो ये होगी प्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब आगे देखें नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच सेटिस्फाई वॉन्ट्स ऑफ द पीपल। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ह्यूमन वॉन्ट्स को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है। ह्यूमन की वॉन्ट्स बहुत सारी होती है, हमें बहुत सारे गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो प्रोड्यूसर है वो हमारी इस तरह की वॉन्ट्स को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं।
whether it is making of goods or providing any service. चाहे वो हम goods की बात करें या फिर service की, producer उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं. So in economics, if making of shirt by an industrial worker is production. अब एक factory में, एक industry में clothes से क्या बना रहे हैं हम? Shirt बना रहे हैं. तो इस process को क्या हम production में include करेंगे? So yes, बिल्कुल include करना पड़ेगा. हमने क्लोथ में यूटिलिटी को ऐड कर दिया, हमने यूटिलिटी को उसमें डाल दिया, तब जाके क्या बन गया? शर्ट बन गया. अब शर्ट ज्यादा यूजफुल है. एक तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम क्लोथ वेयर करें डायरेक्ट, सिंगल क्लोथ अवेलेबल है, और दूसरा ऑप्शन है कि हम उसको शर्ट की फॉर्म में बना के फिर यूज करें. दैट मीन्स शर्ट यूज करने में हमें यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, हमें कंफर्ट ज्यादा रहेगा. सो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसमें क्रिएट किया हमने यहाँ पे? क्लोथ में. तो उससे मैन्युफैक्चर हुआ शर्ट. अब बात यह आती है, एक फैक्ट्री ने क्या किया है, क्लोथ को कन्वर्ट कर दिया किसमें? शर्ट में. अब ये शर्ट कहां जाएगा? ये फैक्ट्री से शर्ट जाता है होलसेलर के पास में. होलसेलर क्या करेगा इसका? होलसेलर इसे आगे पास ऑन करता है रिटेलर को. होलसेलर ने इस शर्ट को आगे सेल किया किसको? रिटेलर को. अब ये रिटेलर क्या करेगा? ये रिटेलर इसको फर्दर आगे पास ऑन करेगा, सेल करेगा किसे? कस्टमर को. ये आगे कस्टमर को, कंज्यूमर को पास ऑन करेगा, और यही कौन है? इसका लास्ट फाइनल कंज्यूमर जो है. तो ये फैक्ट्री से क्लोथ को हमने कन्वर्ट किया शर्ट में, शर्ट गया होलसेलर के पास, वहां से गया रिटेलर को, रिटेलर से गया कस्टमर को. अब बात ये आती है, हम कौन से स्टेप को प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट स्टेप तो ये था क्लोथ को शर्ट में कन्वर्ट कर देना. सेकेंड जो स्टेप था कि होलसेलर ने आगे रिटेलर को ये शर्ट पास ऑन किया है, और थर्ड स्टेप है रिटेलर ने आगे सेल किया है कस्टमर को. तो इन तीनों पॉइंट्स में से हम प्रोडक्शन किसे कहेंगे? पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, या पॉइंट नंबर थ्री, या फिर तीनों को हम प्रोडक्शन कहेंगे? क्या होना चाहिए आंसर? तो सबसे पहले पॉइंट वन तो क्लियर है. पॉइंट वन में तो कोई डाउट नहीं है, क्लोथ में हमने यूटिलिटी को ऐड किया और उसे शर्ट बन गया, ये तो साफ साफ प्रोडक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. कंफ्यूजन कहां होगा? होलसेलर ने सर्विस दी है. क्या सर्विस दी है? कि वो शर्ट रिटेलर तक पहुंचा रहा है. रिटेलर ने सर्विस दी है कि वो शर्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहा है. तो इनकी सर्विसेज को भी, इन सर्विसेज को भी प्रोडक्शन माना जाएगा, इसे प्रोडक्शन में इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, तो सिर्फ उसको कन्वर्जन नहीं, उसको कन्वर्ट करने के बाद में आगे पास ऑन करना, आगे सेल करना, दैट इज ऑल्सो सर्विस, एंड सर्विस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सो पॉइंट नंबर टू एंड थ्री, ये भी प्रोडक्शन का पार्ट माना जाएगा. अब आगे आते हैं, सिमिलरली सर्विसेज ऑफ, किसकी सर्विसेज? डॉक्टर्स की. डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट किया, हमें कुछ मेडिसिन दी और हम ठीक हो गए. तो डॉक्टर ने हमें सर्विस दी है. क्या डॉक्टर ने कुछ नया बनाया है? नया तो नहीं बनाया, बट हमें ठीक किया है, हमें सर्विस प्रोवाइड की है, तो दैट सर्विस इज ऑल्सो प्रोडक्शन. सिमिलरली सर्विसेज ऑफ टीचर्स, सर्विसेज ऑफ लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, इन सब की सर्विसेज को भी कहां पे इंक्लूड करेंगे? प्रोडक्शन में. ठीक है, सर्विसेज ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एक्टर्स, इन सब की सर्विसेज को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा किसमें? प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन की डेफिनेशन में. ठीक है, सो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मीनिंग काफी वाइड है. तो जनरल टर्म्स में तो हम सोचते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट,
बट इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग काफी डिटेल में है, लाइक सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। फाइन, सो देखें नेक्स्ट पैरा में ये लिखा है, द वर्क ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, एक्टर्स, डांसर्स एटसेट्रा इज प्रोडक्शन सिंस द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय देम टू सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ दोज हु पे फॉर देम। तो ये लोग भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, किन्हें दे रहे हैं, जिनको रिक्वायर्ड है, जो सर्विस के लिए पे करते हैं, तो उन्हें ये सारी सर्विसेज मिल रही है, तो उसे कहा जाएगा प्रोडक्शन। द सैटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज यूटिलिटी। और क्योंकि इन सर्विसेज से सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो सैटिस्फाइंग पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, सो ये हो गया जनरल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। अब बात आती है हम यूटिलिटी कैसे डाल सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं अलग अलग गुड्स के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए, कि जिन तरीकों से हम यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं या उसमें यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट तरीके, वो अलग अलग वेज क्या है, अब हम उसे देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है वेरियस फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, फर्स्ट लिखा है फॉर्म यूटिलिटी। पहला पॉइंट कहता है फॉर्म यूटिलिटी, अब इस नेम से हमें क्या समझ आता है, इस नेम से ही लगता है फॉर्मेशन को बदल देना, कोई चीज जिस फॉर्म में अवेलेबल है उस फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर देना, और चेंज करने से हो सकता है वो पहले से ज्यादा यूजेबल बन जाए, उससे हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल सके, तो उसे कहा जाएगा फॉर्म यूटिलिटी। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, कौन सा, लॉग ऑफ वुड, हमने पेड़ को कट करके लकड़ी निकाल ली, उसे हम कहते हैं लॉग ऑफ वुड, और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फर्नीचर में। इस लकड़ी से हमने क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया, तो दैट इज सिंपली चेंज ऑफ फॉर्मेशन, उसका शेप हमने, साइज सब कुछ बदल दिया, और बदलने से क्या हुआ, हमें सेटिस्फैक्शन मिला, कंफर्ट मिला, उसी को हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन यूटिलिटी या चेंज इन यूटिलिटी। ठीक है, रीड कर ले, फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। किसी मटेरियल को हमने चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, किसमें किया है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, और गिवन अ न्यू शेप, एक नया शेप हमने दे दिया है, सो दैट इट मे बी मोर यूजफुल, ताकि वो पहले से ज्यादा यूजफुल हो सके। ठीक है, सो दिस इज फॉर्म यूटिलिटी। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, थ्रेड। अब हमारे पास मान लीजिए पहनने के लिए कुछ नहीं है, अब अगर थ्रेड आता है, एक ऑप्शन क्या है, थ्रेड, हम थ्रेड को लपेट सकते हैं हमारी बॉडी पे, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो क्लोथ से मिलता है, तो थ्रेड को हमने कन्वर्ट कर दिया क्लोथ में, थ्रेड को हमने कन्वर्ट कर दिया क्लोथ में, तो यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, अब क्लोथ एक बड़ा सा पीस बन गया है, अब उसको भी हमने फर्दर कन्वर्ट कर दिया किसमें, शर्ट्स में, टी शर्ट्स में, या कहते ट्राउजर में, इन सब में हमने कन्वर्ट कर दिया, सो दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हमने उसका फॉर्मेशन चेंज कर दिया, थ्रेड से क्लोथ बना दिया, क्लोथ से शर्ट हमने बना दिया, तो फॉर्मेशन चेंज करते ही हमें यूटिलिटी ज्यादा मिलने लगी। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पे, प्लेस यूटिलिटी। किसी गुड्स की प्लेस बदलने से क्या यूटिलिटी बढ़ सकती है, क्या इंक्रीज हो सकती है, तो एग्जांपल ध्यान में आ रहा है, अगर हमने किसी कमोडिटी का प्लेस बदल दिया और उससे हमें यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है,
जैसे जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, एप्पल्स का। एप्पल्स ज्यादा कहां ग्रो होती है, एप्पल्स ज्यादा कहां ग्रो होती है, यस जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, यहां पे एप्पल्स बहुत ज्यादा ग्रो होती है, तो वहां पे इतनी सारी क्वांटिटी में एप्पल्स पड़ी है, किसने ग्रो किए, कि वहां के फार्मर्स ने ग्रो किए। अब फार्मर्स के पास वो सारी एप्पल पड़ी है तो उसका कोई खास यूज नहीं है, वो वहां पे कितना सेल करेंगे तो उसका यूज नहीं है, बट इन्हीं एप्पल्स को अगर किसी दूसरी प्लेस पे, दूसरे स्टेट में भेज दिया जाए जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जहां पर एप्पल्स ग्रो नहीं होती है, तो जब एप्पल ग्रो नहीं होती है तो वहां पे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, दैट मींस उन्हें यूटिलिटी मिलने लगेगी, जो कि उन्हें पहले नहीं मिल रही थी, अभी एप्पल आते ही उन्हें यूटिलिटी मिलने लगेगी। तो प्लेस हमने चेंज कर दिया और प्लेस चेंज होते ही यूटिलिटी मिलने लग गई, या कहते हैं पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई, तो दिस इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, एप्पल्स शिफ्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश टू अदर स्टेट्स लाइक यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एटसेट्रा। तो इन सब जगह पे हमने क्या कर दिया, एप्पल को शिफ्ट कर दिया, भेज दिया, तो उससे यूटिलिटी इंक्रीज होगी, बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट बढ़ने से पहले एक बार रीड कर लेते हैं इसे। व्हेन अ मैटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू मेक इट मोर यूजफुल, पहले से ज्यादा यूजफुल होने लगती है, देन इट इज नोन एज क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। एक और एग्जाम्पल जो मैं यहां दे रखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम अर्थ। हमने अर्थ से, लैंड सरफेस से क्या किया है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसे सप्लाई कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया, या कंपनीज को हमने सप्लाई कर दिया। तो ऑयल अगर अर्थ के अंदर ही पड़ा है तो वहां इसका यूज नहीं है, इसका यूज कब होगा, यूटिलिटी कब मिलेगी, जब हम वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे कहां भेजेंगे, मार्केट में उसे सप्लाई कर देंगे किसी कंपनी को, तब जाके यूटिलिटी मिलने लगेगी। सिमिलरली हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड मेटल्स फ्रॉम माइंस, माइंस से हमने गोल्ड निकाला है या दूसरे मेटल्स निकाले हैं, स्टोन्स हमने निकाले हैं माइन से, तो इन सब का माइन में कोई यूज नहीं है, यूज कब होगा, जब हम इसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे भेजेंगे तो उस स्टोन का यूज होगा, हम उसे ज्वेलरी शॉप में भेजेंगे जहां पे उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहां उस मेटल का यूज होगा। ठीक है, नाउ थर्ड, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, अब इसका क्या मीनिंग है, टाइम से कैसे यूटिलिटी का कनेक्शन हुआ, तो यहां पे जिस टाइम पे जो चीज अनअवेलेबल रहती है, जिस सीजन में जो चीज अवेलेबल नहीं होती है, अगर हम उसे अवेलेबल करवा दे तो क्या होगा, तो उस हमें यूटिलिटी मिलने लगेगी। लाइक सिंपल एग्जांपल लें, मैंगो, आम का सीजन बहुत कम टाइम में आता है, 2 months हार्डली 3 months, ज्यादा टाइम नहीं रहता है, बट हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में अगर उसे रख दिया जाए एक प्रॉपर तरीके से, तो हम उसे लॉन्ग टाइम तक सप्लाई कर सकते हैं। तो उसका मेन सीजन तो क्या है, अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने है उसका मेन सीजन, बट हमने उसे प्रॉपरली स्टोर करके रखा है, और अगर प्रॉपरली स्टोर किया है तो हमें लंबे समय तक वो मैंगो मिल सकता है, दैट मीन्स टाइम यूटिलिटी। ऑफ सीजन में भी वो चीज अगर अवेलेबल हो जाती है तो हम उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। या एक और आपने कोटेशन सुना होगा या कहते हैं एडवर्टीजमेंट देखा होगा, हर मौसम आम माजा है ना, बिल्कुल सही, कि हमने यहाँ पे मैंगो को कन्वर्ट कर दिया किसमें, माजा में, और माजा में कन्वर्ट करते ही वो आपको पूरे साल अवेलेबल है, पूरे 12 महीने अवेलेबल है, तो इसे क्या कहा जाएगा, टाइम यूटिलिटी एज वेल एज फॉर्म यूटिलिटी, दोनों चीजें आ गई, एक तो उसका फॉर्मेशन बदल गया लेकिन मैंगो तो है उसमें, मैंगो का टेस्ट है, मैंगो का फ्लेवर है,
तो इसलिए वो हर समय अवेलेबल है। सो ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो दिस इज सिंपली टाइम यूटिलिटी। रीड कर लें, मेकिंग अवेलेबल मटीरियल एट टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। जब अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जब सीजन नहीं है तब भी अवेलेबल है, तो उसे कहा जाएगा क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। एग्जाम्पल क्या गिवन है, कैनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट्स। फ्रूट्स को हमने एक प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके कैन में, एक टिन में डाल दिया है, तो अब हम उसे लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। सो कैनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट्स टू मेक देम अवेलेबल ड्यूरिंग ऑफ सीजन। नेक्स्ट फोर्थ वन इज पर्सनल यूटिलिटी। फोर्थ वन इज पर्सनल यूटिलिटी। इस बार यूटिलिटी अटैच्ड है किसी पर्सन से, किसी पर्सन से यूटिलिटी अटैच्ड है। दैट इज कोई पर्सन अपनी सर्विसेज देता है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट एटसेट्रा। तो ये सारे पर्सन अपनी सर्विसेज देते हैं, तो इन्हें कहा जाएगा पर्सनल यूटिलिटी। सो मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज ऑल्सो क्रिएट यूटिलिटी। ठीक है, इससे भी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। सेम एग्जाम्पल यहां पे लिखा है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स एटसेट्रा। क्लियर हो गया? सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। सो अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा है प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और यूटिलिटी के फॉर्म्स क्या है, हम कैसे यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, अब बात यह आती है कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है, अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन कैसे करेंगे। गुड्स अपने आप तो प्रोड्यूस होना नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगे। तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है एक गुड्स को बनाने में या कहते हैं प्रोडक्शन करने में। सो जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, हम उसे कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ पे क्या लिखा है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है किसका, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ये हमें पता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू इनपुट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब किससे होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट से। दैट मीन्स वो सारी चीजें जो हम काम में लेंगे और उसे गुड्स बनाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वो सारी चीजें, वो सारे इनपुट्स, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो रेफर्स टू इनपुट्स विच अ फर्म बाइज, जो एक फर्म खरीदती है, बाय करती है, फॉर यूज इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे यूज लेती है, उन्हें कहा जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इनपुट्स परचेज बाय अ फर्म, एक फर्म ने इनपुट खरीदे हैं, क्यों खरीदे हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे यूज लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। सो एनीथिंग दैट रेंडर्स अ हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमने यूज ली है, कहां पे यूज ली है, प्रोडक्शन करने में यूज ली है, उसे कहा जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ अब ऐसे कौन से मेन फैक्टर्स है जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इज लैंड।
सबसे पहला फैक्टर होता है लैंड, कि हम प्रोड्यूस तो करेंगे बट कहां पर प्रोड्यूस करेंगे, कोई जगह तो होनी चाहिए हमारे पास, कोई प्लेस तो होनी चाहिए, तो लैंड कह दें, बिल्डिंग कह दें, ये कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर इज लैंड। सेकेंड वन इज व्हाट, सिर्फ लैंड अवेलेबल है तो क्या गुड्स अपने आप बनने लगेंगे? नो, तो हमें उस पर कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं लेबर। लेबर इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे पास लैंड और लेबर दोनों है, अब क्या गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाएगा? सोच के देखें, लैंड भी है लेबर भी है, दोनों है, क्या गुड्स बन जाएंगे? नो, अगेन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? हमने अभी तक कोई पैसा लगाया नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, कोई मशीन नहीं है हमारे पास, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ क्या है, लैंड और लेबर है। तो इन दोनों से प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए कैपिटल। कैपिटल किस में होती है, कैश या फिर काइंड, दोनों फॉर्म में हो सकती है, कैश और काइंड दोनों हो सकती है। लाइक प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत हमें पड़ेगी गुड्स को बनाने के लिए, फिर हमको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके अलावा कुछ एक्सपेंडिचर और होंगे जिन्हें हमें जिन्हें इनकर करने के लिए हमारे पास मनी भी होनी चाहिए। सो अल्टीमेटली कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब ये तीनों चीजें आ जाएगी, बेटे कौन लाएगा, ये सब कुछ कौन मैनेज करने वाला है? ये सब मैनेज करने के लिए जो पर्सन है हम उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। हम उसे कहेंगे एंटरप्रेन्योर, दैट मींस बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जरूरी है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटरप्राइज जो ये सारा काम मैनेज करेगा। तो वो है हमारा फैक्टर नंबर फोर, एंटरप्रेन्योर, या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या कोई एंटरप्राइज। दिस इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जब ये चारों फैक्टर्स होंगे तब हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले आता है लैंड। अगर हमें लैंड यूज करना है तो क्या फ्री में यूज कर लेंगे? नो, हमें उसके लिए कुछ पेमेंट तो करना पड़ेगा। अगर हमने हमारा खुद का लैंड अवेलेबल है तो खुद को तो हम पे करेंगे नहीं, बट अगर हमने हायर किया है, अगर किसी पर्सन से हमने रेंट पे लिया है, हायर किया है, तो हमको उसके हायर चार्जेस, उसका किराया, रेंट चुकाना पड़ेगा, हमको रेंट चुकाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेबर, मेहनत के लिए, एफर्ट्स के लिए, मजदूरी के लिए क्या चुकानी पड़ती है? वेजेस, यहां देनी पड़ती है हमें वेजेस। कैपिटल, पूंजी, फ्री में नहीं आता है पैसा, पैसे पे क्या लगता है? ब्याज, इंटरेस्ट। और फिर एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, फर्म क्या फ्री में काम करेगी? नो, फ्री में कोई काम नहीं करता, उन्हें क्या चाहिए? प्रॉफिट्स। एंटरप्रेन्योर को चाहिए प्रॉफिट्स, ठीक है? सो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनके लिए हमें ये चीजें चुकानी पड़ती है, देनी पड़ती है, राइट? अब हम समझते हैं इनका डिटेल मीनिंग क्या है। लैंड हम किसे कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट आता है लैंड। तो लैंड हम किसे कहेंगे? तो जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं लैंड, तो हमारे माइंड में क्या क्लिक करता है? जमीन, एरिया, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी प्लेस जहां पे जाकर हमें गुड्स बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं। तो उस प्लेस हमारे माइंड में क्लिक हो जाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं है। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जो सरफेस एरिया है या सॉइल है, मिट्टी है, हम सिर्फ उसे लैंड नहीं कहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं,
इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिसे लैंड की डेफिनेशन में शामिल किया गया है, इंक्लूड किया है। तो इस सॉइल के अलावा, अर्थ सरफेस के अलावा, और वो कौन सी चीजें हैं जिसे हम लैंड में इंक्लूड करेंगे? तो हम कहते हैं ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वो सारी वस्तुएं जो नेचर ने हमें दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नेचर ने हमें दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें भी लैंड की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। लाइक एयर, एयर जो हमें मिल रही है, वाटर, हीट, सनलाइट, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीजें कौन देता है? हम नहीं बनाते हैं, हम हवा पानी हम कुछ नहीं बनाते हैं, ये सब हमें कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है, ये सब हमें नेचर प्रोवाइड करता है। तो ये जो नेचर का फ्री गिफ्ट है, इन सभी को लैंड की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो रीड करते हैं क्या लिखा है। लैंड एंड इकोनॉमिक्स डज नॉट मीन सॉइल और अर्थ सर्फेस अलोन, सिर्फ इतना ही मीनिंग नहीं है, बट रेफर्स टू, क्या रेफर करता है? टू ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर के वो सारे फ्री गिफ्ट जो हमें मिले हैं, विच वुड इंक्लूड वॉटर, एयर, नेचुरल वेजिटेशन, हीट, लाइट एटसेट्रा। तो ऐसी वो सारी चीजें जो हमें नेचर ने गिफ्ट की है, उन्हें कहा जाएगा लैंड, उन्हें लैंड की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लैंड का वो जनरल मीनिंग हमें नहीं लेना है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमें याद रखना है, समझना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट वन इज, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर ने हमें यह चीज फ्री में दी है। द सप्लाई ऑफ लैंड कम्स फ्रॉम नेचर एंड नो ह्यूमन एफर्ट्स और सेक्रीफाइस वॉज नेसेसरी ओरिजिनली टू प्रोड्यूस लैंड। कि लैंड को एक्वायर करने में हमारे पास जो लैंड है, दैट मीन्स एयर, वॉटर, ये सब हमें फ्री में नेचर ने दिया है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम इसका पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं वाटर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, या फिर हम ऐसा कह दें कि जिस जगह पर हम रहते हैं हम उसका किराया देते हैं किसी दूसरे पर्सन को, क्योंकि उस पर्सन के पास ओनरशिप है। तो हम उस पर्सन को तो दे रहे हैं, हम नेचर को कुछ भी नहीं दे रहे, क्योंकि नेचर ने ये हम सभी को दिया है। तो हम आपस में एक दूसरे को कुछ देते हैं या उन्हें उनसे कुछ लेते हैं, बट नेचर हमसे कुछ नहीं लेता है, नेचर ने हमें यह चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सेकेंड, लिमिटेड इन सप्लाई, लैंड जो है इसकी सप्लाई फिक्स्ड है, लिमिटेड है, ह्यूमन चाहकर भी उसे इंक्रीज नहीं कर सकता, उसे बढ़ा नहीं सकता, जितनी चीजें अवेलेबल है उतनी ही रहेगी, ह्यूमन एफर्ट से उन्हें इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। यह काम सिर्फ किसका है? नेचर का है। नेचर से जो मिलता है दैट इज फिक्स्ड, हम उसे हमारे एफर्ट से चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इट्स सप्लाई कैन नीदर बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज बाई ह्यूमन एफर्ट्स, तो ह्यूमन एफर्ट से इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट इसमें अपना एक दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं कि सर ये लैंड सरफेस है, ये एक एरिया है, तो अगर हमने इसमें एक बड़ा सा होल कर दिया, हमने एक खड्डा कर दिया, तो लैंड तो कम हो गया, क्या वो लैंड कम हुआ है? नो, आंसर इज नो, लैंड ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लैंड इज इंडेस्ट्रक्टिबल, वो कहीं नहीं गया, हमने उसमें सिर्फ एक होल किया है लेकिन उसे डिक्रीज नहीं किया है, हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं और ना ही इंक्रीज कर सकते हैं। कि लाइक ये आपका पूरा अर्थ है, तो ऐसा नहीं कि हम यहां से बाहर बालकोनी निकाल देंगे, इसको बढ़ा देंगे, या फिर यहां पे कुछ RCC का लगा के उस एरिया को बढ़ा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। लैंड की जो सप्लाई है दैट इज फिक्स्ड,
इट कैनॉट बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं. लैंड इज इंडेस्ट्रक्टिबल. जैसा कि अभी हमने बात की है, लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. लैंड को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसका जो एरिया है वो फिक्स रहेगा. ये बात अलग है कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो चेंज हो सकती है. फर्टिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है बाय सम ह्यूमन एफर्ट्स. लैंड की फर्टिलिटी को चेंज करना ह्यूमन के हाथ में है, बट उसे बढ़ा देना या घटा देना ह्यूमन के हाथ में नहीं है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड cannot be destroyed even if fertility gets depleted. तो fertility जा सकती है, कम हो सकती है, लेकिन land तो वही रहेगा. It can be restored. तो fertility को तो restore किया जा सकता है. Next, point number 4 is land is not mobile. Land mobile नहीं है. That means हम उसे carry नहीं कर सकते हैं from one place to another. एक जगह से दूसरे जगह तक आप उसे लेके नहीं जा सकते हैं. तो चाहे हम उस लैंड एरिया की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, या उस जगह का जो क्लाइमेट है, वहां का जो वेदर है, हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे. लाइक जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है, हम उसको साउथ में, केरल में, तमिलनाडु में, वहां शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. हम अगर चाहें कि राजस्थान में डेजर्ट में स्नोफॉल होना चाहिए, या कहते वहां जो स्नो है जम्मू एंड कश्मीर वाला, वो राजस्थान में होना चाहिए, और राजस्थान का जो डेजर्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में होना चाहिए, क्या ऐसा कर सकते हैं? नो. ये सब नेचर के हाथ में है, सब कुछ नेचर से होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. सो लैंड कैनॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड द नेचुरल फैक्टर typical to a given place cannot be shifted to other places. जो सिर्फ उस places से connected है, उन्हें shift नहीं किया जा सकता है. Now, point number 5. Land is a passive factor of production. Land कैसा है? एक passive factor है. दो factor होते हैं, एक active और दूसरा passive. आपने पढ़ा भी होगा. ये कहां पढ़ा है? पहले इंग्लिश में पढ़ा था, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. तो वैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं फैक्टर की, एक्टिव फैक्टर एंड पैसिव फैक्टर. एक्टिव फैक्टर क्या होता है? जो अपने खुद के एफर्ट्स लगा सकता है, जो अपने खुद के एफर्ट्स लगा सकता है, हम उसे कहते हैं एक्टिव फैक्टर. और पैसिव फैक्टर क्या होगा? जो खुद एफर्ट्स नहीं कर सकता, जो खुद अपने एफर्ट्स नहीं कर सकता, हम उसे कहेंगे पैसिव फैक्टर. तो अगर हमारे पास लैंड अवेलेबल है तो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, हमें उस पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे. ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होना उसमें जरूरी है, तभी प्रोडक्शन हो पाएगा. लैंड से अपने आप कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, तो रीड करते हैं. इट इज अ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड डज नॉट यील्ड एनी रिजल्ट अनलेस ह्यूमन एफर्ट्स आर एम्प्लॉयड. जब तक हम उस पर कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो लैंड अपने आप प्रोडक्शन नहीं करने वाला है. Sixth, land is heterogeneous. Heterogeneous का मतलब लैंड का जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, वो अलग अलग होता है. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह की फर्टिलिटी अलग होती है, अकॉर्डिंगली उनके यूजेस भी अलग होते हैं, उनके यूजेस भी अलग होते हैं. सो लैंड डिफर्स फ्रॉम इनफर्टिलिटी एंड देयर यूजेस. ये लिखा है हमारे पॉइंट नंबर 6 में. तो ये सारे फीचर्स हमने पढ़े हैं किसके? लैंड के. तो लैंड इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेबर. अब इस लेबर से हम क्या समझते हैं? जैसे वर्ड हम सुनते हैं लेबर, तो हमारे माइंड में कुछ तो क्लिक करता है. क्या क्लिक करता है वो बताए? क्या लेबर का मतलब हमारे माइंड में ये आता है
एक पर्सन हमें दिख रहा है जिसके गंदे से कपड़े हैं, या हाथ पैर मिट्टी से भरे हुए हैं, या कुछ मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन जो उसने किया है वो सारी चीजें उसकी बॉडी पे लगी हुई है, लाइक अगर कारपेंटर है तो वुड के जो पीसेस है वो उस पे लगे हैं, या पेंटर है तो ऐसा कुछ। तो क्या लेबर का मतलब ये है? क्या ये पिक्चर हमारे माइंड में आती है? तो आंसर इस पिक्चर ये माइंड में जरूर आती है, बट ये लेबर का मीनिंग नहीं है। ये लेबर का मीनिंग नहीं है। वो जो पर्सन हमारे माइंड में आता है, वो जो पर्सन हमारे दिमाग में आता है, उसे लेबर नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं लेबरर। उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? लेबरर कहेंगे, या फिर कह सकते हैं वर्कर। उस पर्सन को हम कहते हैं लेबरर या फिर वर्कर, लेबर नहीं कहेंगे। तो फिर लेबर क्या होता है? जो वर्कर अपने एफर्ट्स डालता है, ये वर्कर जो मेहनत करता है, उस मेहनत को, उस एफर्ट्स को हम कहते हैं लेबर। उस मेहनत को, उस एफर्ट्स को हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। और उस पर्सन को कहा जाता है वर्कर, लेबरर। फाइन, चलिए रीड करते हैं। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। अब किसी वर्कर ने, किसी पर्सन ने मेहनत की है, या तो मेंटली या फिर फिजिकली, किसी भी तरह से उसने मेहनत की है। मेहनत क्यों की है? कोई गुड्स बनाने में, या कोई सर्विस प्रोवाइड करने में, सर्विस देने में। तो अगर उसने कोई मेहनत की है, चाहे वो मेंटल है या फिजिकल है, तो उस मेहनत को, उस लेबर, उस मेहनत को हम क्या कहेंगे? लेबर। सो इट रेफर्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट विच रिक्वायर द यूज ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, स्किल एंड इंटेलेक्ट। ह्यूमन अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से, अपनी फिजिकल लेबर से क्या करता है? कुछ बनाता है, कुछ प्रोड्यूस करता है। एंड लेबर इन इकोनॉमिक्स मीन्स द पर्सन हु गेट्स अ रिवॉर्ड इन रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन रिटर्न कुछ हमें मिलना चाहिए, एक रिवॉर्ड होना जरूरी है। अगर रिवॉर्ड नहीं है, हम काम ऐसे ही कर रहे हैं, हमने कुछ मेहनत की है लेकिन हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हमारे खुद के प्लेजर के लिए, तो उसे लेबर नहीं कहा जाएगा। तो लेबर कब कहा जाएगा? हमने एफर्ट्स किए हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए, तो हमें कुछ रिटर्न में मिलता है, समथिंग इन रिटर्न, उस रिवॉर्ड का होना जरूरी है, तभी हम उसे लेबर कह पाएंगे। ठीक है? सो एनीथिंग डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इज नॉट लेबर इन द इकोनॉमिक सेंस। तो अगर हमने लव एंड अफेक्शन की वजह से वो काम किया है, या हमारे खुद के प्लेजर के लिए वो काम किया है, तो उसे लेबर की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी पूरी क्लास में एक पर्सन ने स्टेज पे आके एक सबके लिए गाना गा दिया, एक अपनी परफॉर्मेंस दी है, सिंगिंग परफॉर्मेंस। अब ये सिंगिंग परफॉर्मेंस है, ये कैसी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है? आप सबके लिए प्यार है उस पर्सन का, वो आपके लिए परफॉर्म करना चाहता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या लेबर कहेंगे? नो, इट इज नॉट लेबर, बिकॉज वो उसके लिए चार्ज नहीं कर रहा है आपसे, उसका इंटेंशन आपसे पैसे लेना नहीं है। बट अगर वो पर्सन आप सबसे चार्ज कर ले कि मैंने आप सबके लिए गाना गाया है, मुझे 50-50 रुपए दे दो, तो अगर उसने सबसे 50 रुपए कलेक्ट कर लिए, तो हम उसे क्या कह देंगे? लेबर। कि वो पर्सन तो प्रोफेशनल है, कि उसने ये काम क्यों किया, गाना क्यों गाया है? कुछ पाने के लिए, उसको कुछ रिटर्न में चाहिए, उसको रिवॉर्ड चाहिए, तब हम उसे लेबर कह पाएंगे। अदरवाइज अगर उसने प्लेजर के लिए या फिर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ऐसा किया है, तो लेबर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली वर्क ऑफ हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ, एक मदर क्या करती है? पूरे घर को मैनेज करती है, सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम को कंप्लीट करना, वो सारे काम करना
और वो सारे काम क्यों करते हैं? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्या आपके लिए टिफिन रेडी करते हैं, आपके लिए क्लोथ्स जो है वॉश करते हैं, आयरन करना और भी बहुत सारे आपके लिए काम किए जाते हैं। तो ये बहुत सारी सर्विसेज आपकी मदर आपको दे रही है। तो इस सर्विस को, इस एफर्ट्स को क्या हम लेबर कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इसे लेबर नहीं कहा जाएगा, बिकॉज ये रिटर्न के लिए नहीं है, ये किसी कंसिडरेशन के लिए नहीं है, ये है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर में एक सर्वेंट को रखा गया है। सर्वेंट किसने रखा? झाड़ू पोछा करने के लिए या फिर यूटेंसिल्स को बर्तन धोने के लिए रखा गया है। तो उस सर्वेंट को हम मंथली 3000 रुपीज का पेमेंट करते हैं। उस पर्सन को, उस सर्वेंट को हम 3000 रुपीज का पेमेंट करते हैं। तो इस सर्वेंट ने जो एफर्ट्स डाले हैं, जो काम हमारे घर में किया है, तो क्या हम इसे लेबर कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो उसे लेबर कहा जाएगा, बिकॉज देयर इज अ रिवॉर्ड। सर्वेंट ने ये काम सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड के लिए किया है। और जब यही काम कोई हाउसवाइफ करती है, वही काम अगर हाउसवाइफ कर रही है तो उसे लेबर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यही काम सर्वेंट करता है तो हम उसे लेबर कहेंगे, लेबर मानेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। तो देखिए, एक एग्जांपल आगे दे रखा है। इफ अ पर्सन डांस फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, खुद के एंजॉयमेंट के लिए वो डांस करता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज लेबर, उसको लेबर नहीं मानेंगे। डिस्पाइट द एक्सर्शन इन्वॉल्व इन इट, एक्सर्शन है, मेहनत है, बट लेबर नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ अ पर्सन टेक्स जुम्बा क्लासेस, अगर कोई पर्सन जुम्बा क्लासेस लेता है, लोगों को डांस करवाता है और डांस करवाने के बदले उनसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज उनसे चार्ज किए जा रहे हैं, दैट मींस अब ये काम किस में आ गया? लेबर में आ गया। ठीक है, सो इफ अ पर्सन टेक्स जुम्बा क्लासेस अगेंस्ट पेमेंट ऑफ सम फी, फीस के बदले ऐसा किया जा रहा है, देन दिस एक्टिविटी सिग्निफाइज लेबर, तब इसे लेबर कहा जाएगा। क्लियर? सो ये हो गई लेबर की डेफिनेशन। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या करना है, वापस एक बार रीड लगा लीजिए ताकि सारे पॉइंट्स आपको याद हो।